नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं मशरूम कैप्सिकम चीज ऑमलेट। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मशरूम को ऐसे छोटा छोटा पीस कर लिया है, ऐसा पीसेस। ये एक बड़ा ऑनियन कट कर लिया है, आधा कैप्सिकम ऐसे छोटा कर लिया है, और 4 ग्रीन चिल्लीस बारीक से कट कर लिया है, 2 स्पून गार्लिक को ऐसे छोटा छोटा कर लिया है। इधर एक कढ़ाई में 1 स्पून ऑयल डालकर इसमें पहला गार्लिक एक कट किया हुआ गार्लिक, ग्रीन चिल्ली थोड़ा फ्राई कीजिए, ये हो गया। इस टाइम में ये ऑनियन एक बड़ा प्याज छोटा कर लिया है, और ये मशरूम कट कट कर खींचनाइए, और एक कैप्सिकम। अभी इसको अच्छे से फ्राई कीजिए। ये मशरूम पानी छोड़ता है, वो ड्राई होने तक अच्छे से फ्राई। अभी ये पकने तक इधर 2 अंडे को बीट कर देते हैं। अब ये बीट हो गया, इधर ये भी पक गया, देखिए पानी भी ड्राई हो गया। पेपर पाउडर आधा स्पून और सॉल्ट एक आधा स्पून। ओके, इसे मिक्स करते हैं। ये हो गया, तो आप कर लीजिए। अभी एक तवा रखकर उसमें 1 स्पून ऑयल डाली हूँ, आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं। ये अभी बीट किया हुआ अंडा इसमें डाल लेते हैं। अभी ये एक मशरूम का है ना, ये आधा इसके ऊपर छिलक गई। इसके आधा के ऊपर ऐसे फूल फैला लीजिए। अभी इसके ऊपर मैं ऐसा क्यूब वाला चीज लिया है, ये इसके ऊपर डाल दीजिए। अभी इसको ऐसा टर्न फोल्ड कर लें, ऐसा फोल्ड करके 2 मिनट धीमी आंच पर रखिए। ये मैं चीज मेल्ट होना चाहिए, निकाल लेते हैं। मेरा चीज ऑमलेट रेडी हो गया। आप भी घर पर बनाएं, कैसा बनाते हैं मुझे कमेंट पर जरूर करिए। थैंक यू।